नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जहां अब भी हो रहे हैं ट्रांसफर, तो एक अच्छी खबर है जहां शिक्षकों के लिए कि ट्रांसफर अभी भी जारी हो रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर वही 22 सितंबर 2021 की डेट में भी ऑर्डर जारी हुआ है। तो दोस्तों हम देखेंगे कहाँ से कहाँ, किस जिले से यह ऑर्डर जारी हुआ है, और साथ में दोस्तों एक नई उम्मीद भी बन गई है कि अब और जिन लोगों के अभी ट्रांसफर नहीं हुए तो उनके भी संभावित ट्रांसफर हो सकते हैं। साथ में कई शहरों में अतिशेष की स्थिति बन गई है, इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, तो हम उस न्यूज़ को भी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, इन दोनों खबरों को अब हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं अतिथि शिक्षकों पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद हम उस 22 सितंबर को जो आदेश जारी हुआ है उसे देखेंगे, और इससे पहले जितने भी जो आदेश हुए हैं वो 31 अगस्त 2021 की स्थिति में हुए, तो आदेश अभी जारी होना है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन हम पहले इस न्यूज़ को जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि खबर निकल करके आ रही, शहरों में अतिथि शिक्षक जाँच कराकर नए खाली जगह भरे जाएंगे, मंत्री ने ऐसा कहा है। तो दोस्तों जैसा कि न्यूज़पेपर में दिया गया है, करीब 2.5 साल बाद व्यापक स्तर पर तबादले ने नई समस्या खड़ी कर दी है। जिस सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अति से जरूर से ज़्यादा हो गए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के अनुपात पर शिक्षक नहीं बचे हैं, जिससे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग जाँच करा करके अति से शिक्षकों का युक्तिकरण या समायोजन करने की तैयारी कर रहा है। करीब 1.5 माह चले तबादले के दौरान 3,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों के तबादले हुए हैं। वहीं प्रदेश में 2018 विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के तबादले हुए थे, इसके बाद राजनीतिक कारणों से निचले स्तर पर तबादले नहीं हुए हैं। इसलिए जैसे ही राज्य सरकार ने तबादलों से रोक हटाई, तो हर विभाग एवं संवर्ग के कर्मचारियों ने तबादले का आवेदन लगा दिया था। स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों बताते हैं कि करीब 7,000 शिक्षकों के तबादले की इच्छा जताई थी, जिसमें से अब तक 3,000 शिक्षकों के तबादले हुए। इनमें भी 2,000 से भी ज़्यादा शिक्षक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में आ गए। इन शिक्षकों से करीब 1,500 शिक्षक अतिशेष बताए जा रहे हैं। अकेले भोपाल में 500 शिक्षक अतिशेष हो गए हैं, जहाँ पहले 350 शिक्षक अतिशेष थे। 150 नए शिक्षक आ जाने से ऐसे ही हालत अन्य जिलों में भी है। इसलिए शिक्षकों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है, क्योंकि पद नहीं है। तो ये एक बड़ी खबर है। वहीं डीओ से मांगी अति से शिक्षकों की सूची, मामला जब विभाग के राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के पास पहुंचा तो उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों में अतिशेष हुए शिक्षकों की सूची मांगी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्कूलों की सूची मांगी है जहाँ बच्चे शिक्षकों का अनुपात गड़बड़ा गया है। शिक्षकों के शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है इंदर सिंह परमार, जो कि राज्य स्वतंत्र प्रभार स्कूल शिक्षा विभाग से हैं। इनका कहना है कि स्वैच्छिक तबादले करते समय ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में शिक्षक अतिशेष हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं एक या दो शिक्षक ही बचे हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों से जाँच कर रिपोर्ट मांगी गई है, ऐसे शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाएगा। तो ऐसा ये स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है। दोस्तों अब हम दूसरी न्यूज को इस तो दोस्तों मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक अच्छी बड़ी खबर है, ट्रांसफ़र जो चाह रहे हैं उनके लिए, कि जैसा कि दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 सितंबर 2021 की स्थिति में ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया है। जहां देखा गया है अधिकतर जो ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुए वो 31 अगस्त 2021 की स्थिति में जारी हुए हैं। तो इसके बाद पोर्टल बंद हो गया था और कोई आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन ये एक आदेश ऐसा भी है जो जारी हो रहे हैं। तो ये एक आगामी और कुछ दिनों बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जहां देखा गया कि 7,000 ट्रांसफ़र होना थे, वहीं 31 अगस्त 2021 को पोर्टल बंद होने की वजह से ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी नहीं हो पाए, तो लगभग इतने ही ट्रांसफ़र ऑर्डर और जारी होंगे। जैसा कि अभी एक मामला आया था नई दुनिया के द्वारा कि शिवपुरी, दैनिक भास्कर के द्वारा कि शिवपुरी में करीब अभी जिला स्तर से कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाया क्योंकि पोर्टल बंद हो पा गया है। ऐसे ही तमाम जिलों का अगर देखा जाए तो वहां पर भी यही कंडीशन है। तो अभी ट्रांसफ़र ऑर्डर और जारी हो सकते हैं समन्वय समिति द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद। तो दोस्तों हम इस आदेश को देखते हैं, जहां देखा गया है कि यह आदेश 22 सितंबर 2021 को जारी किया गया है,
और प्राथमिक शिक्षा का यह आदेश है जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफ़र हुआ मुरैना में हुआ है, और ये अच्छी खबर है उन शिक्षकों के लिए जहां जिनका अभी ट्रांसफ़र के लिए वो इंतज़ार में है। तो दोस्तों 22 सितंबर की स्थिति में यह आदेश जारी हुआ है, तो आगामी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।